राजधानी दिल्ली का स्मॉग से बुरा हाल है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, स्मॉग का हल क्या हो इसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन पड़ोसी देश चीन ने स्मॉग का ऐसा हल निकाला है जो सफल हुआ तो हवा तो साफ होगी ही, साथ में डायमंड भी मिलेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, जो स्मॉग अभी सांस का दुश्मन बना हुआ है उसे बेशकीमती हीरा भी बनाया जा सकता है। दरअसल पिछले ही साल चीन की एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी थी कि रेड अलर्ट घोषित करना पड़ा, स्कूल बंद करने पड़े, निर्माण कार्य रोकना पड़ा। उस वक्त डच डिजाइनर और आर्किटेक्ट डॉन रोजगाडी ने स्मॉग फ्री प्रोजेक्ट शुरू करने की ठानी। डॉन रोजगाडी ने 23 फीट बड़ा एयर प्योरिफायर को लगाने का आइडिया दिया। ये प्रोजेक्ट दो पार्ट्स में काम करेगा। पहले पार्ट में 7 मीटर ऊंचे टावर्स स्मॉग को अपने अंदर खींचने का काम करेंगे। ये टावर्स प्रदूषित हवा को अपने अंदर लेकर साफ करेंगे। इसके बाद क्लीन की गई हवा को छोटे टावर्स के जरिए पार्क, सड़कों और बाजारों पर छोड़ा जाएगा, जिससे आपको स्वच्छ हवा सांस लेने को मिले। दूसरे पार्ट में बड़े टावर्स में साफ की गई हवा के कार्बन प्लेट्स को आधा घंटा प्रेशर में रखा जाएगा, जिसके बाद उसे हीरे की शक्ल दी जा सकती है। चीन में अक्टूबर 2016 में इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए एक टावर लगा दिया गया है। ये टावर लगभग 75% हवा को साफ कर देता है और हर दिशा में साफ हवा फैलाता है। भारत के शहर जिस तेजी से प्रदूषित हो रहे हैं, उससे भारत भी भविष्य में ऐसा ही प्रयोग कर सकता है, जिससे प्रदूषण जैसी कमजोरी भी ताकत में बदल सकती है।